हेलो गाइस, मैं हूं सुमन और आप लोग देख रहे हैं टेक न्यूज़। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं नोकिया वन के बारे में। जी हां, नोकिया वन इंडिया में लॉन्च हो गया है और यह इसके ऑफिशियल वेबसाइट है nokia.com पर ही अवेलेबल है और आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानेंगे कि क्या मेरे ओपिनियन है, क्या स्मार्टफोन को सही में लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोकिया वन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। नोकिया वन में आपको 4.5 इंच की FWD डिस्प्ले दी गई है जो कि 480 पिक्सल है, यानी 480 पिक्सल का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास है माइक्रोमैक्स A79 और नोकिया वन भी काफ़ी हद तक इसी के सिमिलर दिखने वाला है। तो लेकिन हाँ, डिज़ाइन के मामले में नोकिया वन अपने इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराता है। और हाथ में अगर आप फोन लेते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम फीलिंग भी देता है। लेकिन इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है और जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कुछ सालों मतलब 2 साल पहले सभी स्मार्टफोन में लगभग प्लास्टिक बॉडी ही आती थी, लेकिन नोकिया वन में जो प्लास्टिक बॉडी दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक बॉडी है और नोकिया वन में इससे थोड़े से कम बेजल है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा बेजल्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें नोकिया वन में आपको इसे थोड़े से कम बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नोकिया वन के कैमरा के बारे में। नोकिया वन में आपको 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा वो काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर सकता है और जो इसके कंपटीटर्स है जो अदर स्मार्टफोन वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिए हैं, फिर भी यह नोकिया वन है उसके जो 5 मेगापिक्सल कैमरा है वो काफ़ी हद तक बढ़िया पिक्चर क्लिक कर सकता है। और हाँ, इसकी वीडियो क्वालिटी आपको 720 पिक्सल मिल जाएगी। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 720 पिक्सल तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वो एक ठीक ठाक ही फोटो ले लेता है। लेकिन 2 मेगापिक्सल से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसमें आपको मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर मिलता है जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और यह 1.1 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। इसमें आपको 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज दी गई है। हालांकि यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड ओरियो पर गो एडिशन पे है, इसलिए इसमें आपको 1 GB की रैम दी गई है। अगर कंपनी 2 GB की रैम प्रोवाइड करा देती तो काफ़ी अच्छा होता है इस प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अदर स्मार्टफोन भी आपको 2 GB की रैम मुहैया करा रहे हैं। लेकिन आपको 8 GB की स्टोरेज दी गई है, लेकिन एंड्रॉइड गो अदर स्मार्टफोन के हिसाब से अगर 16 GB वाला भी वेरियंट है तो उसमें आपको लगभग 8 से 9 GB ही यूज़ करने को मिलता है, लगभग 10 से 12 तक ही यूज करने को मिलता था। लेकिन इसमें 8 GB वेरियंट में आपको करीब से करीब 6 GB भी आपको यूज़ करने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड ओरियो का गो एडिशन है इंस्टॉल। लेकिन फिर भी एंड्रॉइड गो एडिशन है वो सिर्फ गूगल के ऐप को ही सपोर्ट करता है और अदर ऐप को नहीं सपोर्ट करेगा। और बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी 2150 mAh मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी आपको टॉप टाइम प्रोवाइड करा सकते हैं। लगभग आप इसे 3 से 4 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम यूज कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसकी रखी गई है 5,499 रुपये। और हाँ, ये 2 कलर वेरियंट में आता है, एक रेड और एक डार्क ब्लू, दोनों ही कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें आपको IP52 का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है जो कि डस्ट प्रूफ है। तो 5,499 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। ओवरऑल इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी रखी गई, अगर 5,000 रखी गई होती तो ये काफ़ी पावरफुल डिवाइस होता और 5,000 के अंदर, लेकिन फिर भी इसमें IP सर्टिफिकेशन होने के कारण थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई है। और बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो बस सिर्फ मुझे इस स्मार्टफोन में एक ही प्रॉब्लम नज़र आती है, इसका डिस्प्ले, जो कि इसमें आपको 480 पिक्सल का डिस्प्ले दिया गया है। और अगर इसमें 720 पिक्सल का डिस्प्ले कंपनी दे देती तो काफ़ी अच्छा होता इस प्राइस के हिसाब से, अदर स्मार्टफोन आपको 720 पिक्सल डिस्प्ले प्रोवाइड करा देते हैं। ओवरऑल इसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और वैसे भी आपको पता होगा नोकिया का जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा ही होती है। तो ओवरऑल यह स्मार्टफोन सही है, फिर भी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा महंगी, अगर 5,000 रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। और बात कर लेते इसमें कॉन्स की, तो कॉन्स में सिर्फ इसका जो एंड्रॉयड गो एडिशन है वही एक प्रॉब्लम है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन है वो काफ़ी अच्छा चलेगा और 1 GB रैम वाले के लिए भी बनाया गया है, और गूगल ने भी यही कहा है कि 1 GB वाले स्मार्टफोन के लिए ही बनाया गया है या उससे कम वाले के लिए। लेकिन फिर भी केवल इसमें भी गूगल के ऐप ही गो एडिशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैप्स गो, गूगल गो और जो गूगल के बेसिक्स एप्लीकेशन है वही सपोर्ट करेंगे। हालांकि इसमें ब्लॉटवेयर नहीं है, फिर भी अदर ऐप जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके डेली यूजर्स के ऐप जो अदर स्मार्टफोन में आप यूज करते हैं वो आप इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉल करने के बाद यह स्मार्टफोन भी लैग करेगा अदर स्मार्टफोन की तरह। तो ओवरऑल बात की जाए तो यह स्मार्टफोन अगर नॉर्मल यूज कीजिएगा, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप अगर ज़्यादा यूज नहीं करना है तो सही है। तो मेरा ओपिनियन है कि यह स्मार्टफोन सही है, अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं।
नहीं तो और भी स्मार्टफोन आने वाले हैं 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा प्राइस में, आप वेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा और यह वीडियो से आपको समझ में आएगा कि नोकिया वन कैसा है और कैसा नहीं है और आपको लेना चाहिए नहीं। अगर मैंने इसका कोई भी टॉपिक मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक ले बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।